की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन व्यवसाय लेखा शास्त्र में व्यवसायिक सौदे का लेखांकन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप अन्य व्यवहारों के प्रभाव देखेंगे बेटा। तो पहला है इसमें बेटा आदत व्यवहार। जो आदत व्यवहार का प्रभाव होता है, मतलब जो वह चालू है और वित्तीय स्थिति से संबंधित है, अवधि में समाप्ति के बाद इसे क्या करते हैं, भुगतान नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं, आदत व्यय कहते हैं। तो ऐसे व्यय जो व्यवसाय का दायित्व होते हैं, मतलब जो व्यय और व्यवसाय के लिए क्या है, दायित्व होते हैं। दायित्व में मतलब क्या होती है, इससे वृद्धि हो जाएगी और स्वामी की पूंजी मतलब कम ना, अर्थात एक तरल दायित्व के रूप में ये क्या रहता है, वृद्धि, और दूसरे पूंजी की कमी को मतलब कमी भी हो जाएगी। फिर इसके बाद होता है बेटा पूर्वदत्त या प्रभाव। जो पूर्वदत्त, इसके प्रभाव, पूर्वदत्त पहले से दिए गए प्रभाव, तो उसके बाद पढ़ेंगे बेटा, ये सब आपने पढ़े। उसके बाद उपार्जित प्रभाव होंगे, अनुपार्जित प्रभाव होंगे, और संपत्ति हास का प्रभाव। ये सब क्या है बेटा, अन्य व्यवहारों का प्रभाव होता है। और आहरण ब्याज पर प्रभाव, जो आहरण होता है या ब्याज होता है उस पर, आहरण या जो आहरण पर ब्याज जो होता है वह होता है व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी संपत्ति का उपयोग हेतु व्यवसाय से निकाली गई रोकड़ माल आहरण कहलाता है। मतलब जो व्यापार, मतलब कोई व्यवसाय है, उससे व्यवसाय के से निकाली गई रोकड़ को आहरण कहते हैं। फिर सातवां होता है बेटा पूंजी पर ब्याज का प्रभाव। मतलब जो पूंजी होती है उसका ब्याज पर क्या प्रभाव होता है, तो पूंजी ब्याज पर व्यवसाय के लिए व्यय व स्वामी के लिए आय व्यय में होने के कारण जो पूंजी होती है उसमें कमी की जाएगी, और स्वामी पर आय पर होने वाले पूंजी की उपयोग की जाएंगे। इसको आपको क्या करते हैं, ये पूंजी में वृद्धि होगी तो क्या होगा, इससे पूंजी ब्याज में पूंजी में वृद्धि या कमी होने लगती है। उसके बाद होता है बेटा मतलब आपके अनुमोदक प्रमाणक। अनुमोदक प्रमाणक होते हैं, अनुमोदक प्रमाणक का अर्थ है उन प्रालेखों से, मतलब जो अनुमोदक प्रमाणक होते हैं जो व्यवसायिक सौदे को घटित होने की सत्यता और प्रामाणिकता करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, बाहरी अनुमोदक और आंतरिक अनुमोदक। दो प्रकार के होते हैं अनुमोदक, तो बाहरी अनुमोदक और आंतरिक अनुमोदक। बाहरी अनुमोदक के अंतर्गत जो बाहर, और आंतरिक मतलब जो आंतरिक व्यवसाय के आंतरिक अंतर्गत होते हैं। तो अनुमोदक के दो प्रकार होते हैं। एक अगर बेटा 2 नंबर का भी प्रश्न आएगा या 3 नंबर का प्रश्न आए, तो अनुमोदक प्रमाण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखकर आपको इन दोनों के प्रकार के नाम लिखे, क्योंकि बेटा 11th में लेखा शास्त्र नया विषय है, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा बेटा। तो ये एक प्रश्न ही है बेटा, एक प्रकार से मान लीजिए अनुमोदक प्रमाण क्या कहलाते हैं, तो अनुमोदक प्रमाण से क्या आशय है, तो आपको यही लिखना है। अनुमोदक उन प्रमापों से हैं जो व्यवसायिक सौदे को क्या करते हैं, घटित होने की सत्यता प्रमाणित करते हैं। जो जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उनमें जो भी सौदे हो रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं उसकी सत्यता को क्या करते हैं, ये प्रमाणित करते हैं, उसे अनुमोदक प्रमाणक कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य अनुमोदक प्रमाण और आंतरिक अनुमोदक। उसके बाद है बेटा आपका बाहरी अनुमोदक प्रमाप, उन प्रमाप को कहते हैं जो तृतीय पक्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। जो बाहरी अनुमोदक होते हैं, जो किसके लिए तैयार होते हैं, व्यवसाय में जो तीसरा पक्ष होता है उसके लिए क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए विक्रेता से प्राप्त कैश मेमो, मतलब जो विक्रेता है उससे प्राप्त आपको कैश मेमो, उधार, माल की सप्लाई वाले जो बीजक होते हैं वो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और मकान मालिक से प्राप्त।
प्रमापक के मतलब बाहरी अनुमोदक के ये प्रकार हो गए बेटा। तो उसमें आपका ये पहला था, ये क्या था बेटा, पहला था, ठीक है। और उसके अंदर का था मैं क्या क्या पढ़ा, विक्रेता से प्राप्त कैश मेमो, उधार पर सप्लाई, और क्या होते हैं जो उधार पर सप्लाई करने वाले जो बीजक होते हैं वो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और जो मकान मालिक से अपन को प्राप्त होती है वो रसीद। उसके बाद है बेटा दूसरा होता है आंतरिक अनुमोदक प्रमापक, मतलब जो आंतरिक अनुमोदक प्रमापक होते हैं उन प्रमापकों को कहते हैं जो व्यवसाय द्वारा किए जाने सभी मान्य, मतलब जो तभी मान्य होते हैं जब उसमें तीसरा पक्ष इसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मतलब पर्ची जो पर्ण होते हैं वो जमा सब उसके अंदर चालान, पर्ची, पर्ण, जमा पर्ची सब कैसे अंतर्गत आते हैं, आंतरिक अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं। जो व्यवसाय के लिए क्या होते हैं प्रमापक, जो व्यवसाय द्वारा किए गए किंतु तभी मान्य होते हैं जब इसे तीसरा पक्ष क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, इसे क्या कहते हैं, आंतरिक अनुमोदक प्रमापक कहते हैं। इसका उदाहरण होता है बेटा चालान पर्ची की प्रतिपर्ण, मतलब जो चालान होते हैं उसका जो प्रतिपर्ण प्राप्त होता है वो, और दूसरा होता है जमा की गई राशि के प्रतिपर्ण। तो ये आंतरिक अनुमोदन के क्या अंतर्गत आते हैं, ये दूसरा आपका कारण हो गया। उसके बाद है बेटा डेबिट तथा क्रेडिट नियम क्या होते हैं। तो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, खाता, डेबिट और क्रेडिट समझने के लिए पहले खाते का अर्थ समझना आवश्यक होता है। मतलब डेबिट राशि और क्रेडिट राशि को समझने के लिए पहले आपको खाते का अर्थ समझना आवश्यक हो। तो व्यवसायिक लेन देन में, मतलब जो व्यवसाय होता है उसके लेन देन में विभिन्न शीर्षकों को तैयार किया विवरण ही खाता कहा जाता है। मतलब आप जो भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसके लेन देन, आय व्यय और उसकी संपत्ति, दायित्व, इन सभी चीजों का एक शीर्ष विवरण तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे खाता कहते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के नियम के अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपको व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र खाते, ये सब आपको इसके डेबिट खाते, डेबिट मतलब क्रेडिट के नियम के अंतर्गत इसको समझना होगा। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट के नियम को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले बेटा खाते का अर्थ को समझना होगा। फिर उसके बाद में बेटा दो पक्ष होते हैं, मतलब एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो बाएं पक्ष में आप इसको, मतलब जो डेबिट खाता है बाएं पक्ष में अर्थात डेबिट पक्ष में लेखे जब किए जाते हैं, और दाएं पक्ष में क्रेडिट जब इसमें लिखा जाएगा, इसके लिए दो मत हैं। तो आप इसको दो मतों के आधार पर इसको क्या करोगे आप, मतलब जो डेबिट और क्रेडिट के दो मत हैं उसके लिए है, एक है अमेरिकन मत और दूसरा है अंग्रेजी मत। तो जो खाते होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जो डेबिट है वो कहाँ, बाएं पक्ष में, और जो क्रेडिट है दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद ही बेटा, उसके बाद दो पक्षों में, मतलब जो इसके निम्नलिखित दो मत हैं, तो पहला है अमेरिकन मत और दूसरा है अंग्रेजी मत। तो जो अमेरिकन मत है उसके अंतर्गत, अमेरिकन मत इसके अनुसार समस्त व्यापारी बैंक के आधार पर खातों को पांच भागों में क्या किया गया है, जो अमेरिकन मत है, अमेरिकन मत है इसके खातों को, जो इसके खाते हैं उसको पांच भागों में क्या किया गया है, बांटा, पांच भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है संपत्ति खाता। तो ये आ गया बेटा, ये इसके पांच मत हैं, पांच खाते हैं। सबसे पहले है संपत्ति खाता, मतलब जो आपकी संपत्ति है व्यवसाय के लिए, भवन, फर्नीचर, मशीन,
संपत्तियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप किसी भी कोई व्यापार शुरू करोगे, सबसे पहले आपको भवन, फर्नीचर, मशीनरी और संपत्ति, इन सब आवश्यकताएं होती है। और इसमें इसको क्या करना पड़ता है, अपन को इन्हें खरीदना होता है। तो संपत्ति, जब अपने पास संपत्ति होगा तो इनका मतलब इससे का विक्रय भी कर होगा। और इसमें संपत्ति में कमी अर्थात संपत्तियों में वृद्धि में भी कमी होगी। इसका विक्रय कर दिया गया, जब विक्रय कर दिया गया संपत्ति को अपन बेच देंगे तो संपत्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो संपत्तियों के खाते में डेबिट पक्ष में कमी हुई अर्थात इसे कहाँ लिखेंगे, इस संबंधित राशि को अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। जो संपत्ति में जो कमी हुई, संपत्ति में कमी मतलब उसको अपन कहाँ लिखेंगे, इसे अपन क्रेडिट खाते में लिखेंगे, क्रेडिट साइड इसको लिखेंगे। और इसको संपत्ति को मतलब जो जो अपन संपत्ति को क्या करेंगे, जब 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 संपत्ति में जमा उसको डेबिट। तो संपत्ति खाते में वृद्धि का लेखा और संपत्ति खाते में कमी का लेखा, इसे क्या कहेंगे, संपत्ति के खाते कहेंगे। फिर दूसरा है देयता खाता। जो होता है देयता मतलब अपन किसी चीज मतलब वस्तु को अपन लिया, देयता मतलब व्यवसाय में बाहरी ऋण में वृद्धि होती है, जिसको अपन वृद्धि के लेखा दायित्व कहते हैं। जैसे कहाँ लिखेंगे अपन, क्रेडिट पक्ष में इसको किया जाता है और राशि को इसका लेखा डेबिट पक्ष में मतलब जो आपने ऋण दिया, ऋण से होती है, इसको क्या करेंगे आप, डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो दायित्व में कमी का हो क्या होगा, उसको दायित्व में कमी आप डेबिट खाते में और दायित्व वृद्धि क्रेडिट खाते में। उसके बाद है पूंजी खाता, मतलब अमेरिकन मत के अनुसार पूंजी खाता मत कैसा होता है, यह खाता व्यवसाय के स्वामी का खाता होता है। जो पूंजी खाता होता है वो व्यवसाय के स्वामी का खाता होता है। व्यवसाय के पक्ष में रोकड़, माल, संपत्ति व्यवसाय से इसको इसका मतलब लगाया जाता है। इसका लेखा पूंजी खाते में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। और निजी कार्यों के लिए राशि को व्यवसाय में मतलब जो निजी काम होते हैं उसके लिए व्यवसाय में लेता है, तो उसे डेबिट पक्ष में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसको पूंजी खाते में अपन कैसे लिखेंगे, पूंजी में कमी का लेखा डेबिट और पूंजी में वृद्धि का लेखा क्रेडिट खाता कहलाए। और व्यवसाय में रोकड़, माल, आय खाते, तुम अमेरिकन मत में एक आगम संबंधी जो होते हैं वो आय में कमी का लेखा डेबिट और आय में वृद्धि का लेखा क्रेडिट होता है। तो व्यवसाय में जिन खातों में आगम या आय प्राप्त होती है उस खातों को डेबिट आय लेखा किया जाता है, तथा आय में कमी होने पर उसे डेबिट खाता लिखा जाता है। मतलब आय में जब मतलब आय में कमी होने पर डेबिट, मतलब जो आय होती है, आय में कमी डेबिट और आय में वृद्धि क्रेडिट। तो आय में जब कमी होगी उसे खाता डेबिट और जब आय में वृद्धि होगी तो उसका खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका आगम संबंधी एक आय खाते। फिर होता है व्यय संबंधी खाते, मतलब जिन खातों में व्यय, तो व्यय संबंधी खाते व्यय होने पर पूंजी क्या होती है, घटती है। मतलब अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय के लिए अगर वस्तु खरीदेंगे जो क्रय करेंगे अपन, है ना, तो उसके लिए व्यय होने पर पूंजी क्या होती है, घटती है। और व्यय में कमी होने पर पूंजी बढ़ती, व्यय में जो कमी होती है अगर अपन कोई व्यय नहीं करेंगे तो पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। तो व्यय में वृद्धि का लेखा खाता डेबिट पक्ष में आता है, मतलब जब व्यय
व्यय में वृद्धि होगी तो उसका खाता डेबिट पक्ष में जाएगा, और व्ययों में कमी होगी तो वह क्या जाएगा, क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। तो व्यय संबंधी खाते में आपको देखेंगे व्यय में वृद्धि, लेखा मतलब जो व्ययों में क्या हुई, व्यय में वृद्धि, तो खाता कैसा होगा, डेबिट, और आय में वृद्धि मतलब अगर व्यय में आपकी जो हो गई व्यय में कमी तो खाता कैसा हो जाएगा आपका, क्रेडिट। तो ये आपके अमेरिकन मत थे बेटा 5। तो कौन सी संपत्ति खाता, पूंजी खाता, आगम खाता और व्यय संबंधी खाते, मतलब जो ये सब हैं खाते हैं जो डेबिट और क्रेडिट, इनके नियम के अनुसार ये किस खाते में क्या आएगा। तो जिनमें वृद्धि होती है वे खाते डेबिट, और जिनमें कमी होती है मतलब आप व्यापार मतलब व्यय करोगे तो व्यय खाते में क्या हुई, वो कमी हुई, तो उसको क्या कहेंगे, व्यय खाता। आय की व्यय वृद्धि का लेखा मतलब व्यय में वृद्धि का लेखा बराबर डेबिट, और व्यय में कमी खाता बराबर क्रेडिट। तो इस प्रकार से इन खातों में एंट्रीज होती हैं, मतलब उनको ऐसे मतलब आपको इन खातों को ऐसे व्यक्त करना है। व्यय संबंधी खाते होते हैं जो संपत्ति में वृद्धि लेखा डेबिट, और संपत्ति मतलब जो कमी आई वह लेखा मतलब जो लेखा है वो क्रेडिट। ऐसे दायित्व में वृद्धि तो क्रेडिट, और कमी तो डेबिट। पूंजी में वृद्धि तो लेखा खाता क्रेडिट, और कमी हुई मतलब पूंजी में कमी हुई तो लेखा खाता कैसा हो जाएगा, डेबिट। जैसे आय में वृद्धि तो लेखा खाता क्रेडिट, और कमी हुई तो मतलब डेबिट। और इसी प्रकार व्यय में वृद्धि हुई तो लेखा खाता डेबिट, और व्यय में कमी हुई तो लेखा खाता क्रेडिट। तो ये आपके वैज्ञान मतलब जो डेबिट खाते के पक्ष में जो नियम थे, नियम के अनुसार ये अमेरिकन मत, आप इनको खातों में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण बेटा अपन आगे आने वाले मतलब पीरियड में लेंगे कि अपन को कौन सी संपत्ति, कौन से व्यय, कौन से मत किस खाते में डालने। ये आज आपने डेबिट क्रेडिट के नियम पढ़े। तो छोटा सा प्रश्न है बेटा एक, डेबिट क्रेडिट का क्या अर्थ है और इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो इसके नियम बताइए। तो आप डेबिट